सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ। मैं पिछले युगों में भी था, इस युग में भी थी और संभवतः आने वाले सभी युगों में भी रहूंगा। मैं इस धरती के कण कण में तब तक रहूंगा जब तक आप जागोगे नहीं। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी। पहले समय में भीमकाय डायनासोर जैसे जीवों का राज था, काल चक्र के साथ वो न चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया और फिर शुरू हुई मुकाबले की एक ऐसी आंधी जिसने कई सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। कहीं यूनान की विशाल शक्ति कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों पर पहुंचा तो कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी ही आंखों के सामने अपने ही सूरज को डूबते देखा। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा क्योंकि इन सभ्यताओं के उदय के साथ विज्ञान का साम्राज्य विस्तृत होता चला गया और विज्ञान के विस्तार के साथ मुझे आने से कौन रोक सकता था। मैं प्रदूषण किसी से पक्षपात नहीं करता। अमेरिका, जापान, भारत और चीन जैसे बड़े विकसित और विकासशील देश भी मेरे प्रभाव से नहीं बच पाए क्योंकि प्रदूषण हवा का, पानी का, ध्वनि का, केमिकल का, विचारों का, रिश्तों का, नैतिकता का और न जाने किस किस का। इन्होंने आगे बढ़ना तो सीख लिया लेकिन मुझे रोकने का कोई सार्थक प्रयास किया ही नहीं। और जब सार्थक प्रयास हुआ ही नहीं तो मेरे पंजों से उन्हें कौन बचा सकता था। पर कुछ जागरूक क्रांतिकारी लोगों ने खुद को बदलने का प्रयास किया तो परिस्थितियों का बदलना भी निश्चित था और इसी के फलस्वरूप आज समय बदल रहा है। अरे
अंधी भूतनी घूमती है जो मरने से पहले अपने
अभी भी वक्त है
ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाथ जोड़ कर ले आओ उसे, मेरे बाबूजी की जान बचाएगी जाना। देखा मेरे दोस्त, मैं गंदगी का कमाल, इस गंदगी के
आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अरे ये तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा।
प्रदूषण, गंदगी और बैक्टीरिया एक दो लोगों के प्रयास से कम नहीं होगा। इसे हमें एक अभियान बनाना होगा ताकि हम हमारे देश का स्वर्णीय इतिहास दोहरा सके, जहां वह सोने की चिड़िया कहलाता था।